हेलो दोस्तों, आई एम सुरेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्षेत्रफल की चर्चा की थी और निर्मय 1, 2 और 3 उसमें कंप्लीट करवा दी थी। आज हम निर्मय 4 करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में ये भी बताते हैं कि सर वीडियोस डालिए, हम देख रहे हैं। बड़ी खुशी होती है और उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके आप मेरे वीडियो को पसंद करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, अपने दोस्तों से बताइए, उनको भी लाभ हो इन सब चीज़ों का। तो ऐसे प्यार देते रहिए, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं निर्मय 4 से, ठीक है। तो निर्मय 4 में क्या है, देखिए क्षेत्रफल के क्रम में निर्मय 4 में है 5.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आप वो यहाँ पे बना हुआ है, तथा 4.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज अबसा के बराबर 3.3 सेंटीमीटर भुजा का एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। सवाल में ये कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उनकी भुजाएं दे रखी हैं। त्रिभुज कैसे दिया हुआ है, हम आपको त्रिभुज बना के दिखा देते हैं। पहले सवाल को समझ लीजिए, जैसे ये क्या है, त्रिभुज है कोई, ठीक है। ये सवाल में कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाइए, समांतर चतुर्भुज। ये ऐसे समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसके क्षेत्रफल के, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है, कोई अगर परिभाषा तो आप बताएं क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ये बड़ा है देखो, ये छोटा है, ठीक है। और कोण 90 अंश का नहीं होता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज की एक भुजा कितनी है, यहाँ एक भुजा जो है वो 3.3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आप, इस जगह देखिए कितना लिखा है, 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर रेखा खींच लेंगे। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, इस जगह पे 5.5 सेंटीमीटर हम रेखा खींच लेंगे। एक सेकेंड, तो रेखा खींचते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ये आपकी 5.5 सेंटीमीटर रेखा हो गई। थोड़ा सा ऊपर कहीं ले लें, चलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और कितना प्रकार में, ये पहले से लिख लीजिए यहाँ पे, कितना खींचा हमने, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रकार में एक तरफ 3 सेंटीमीटर भरना है, कितना, ये देखिए यहाँ पे दिखा कितना, 3 सेंटीमीटर एक तरफ, और एक तरफ कितना भरना है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बा है आपका और इधर क्या है, सा है, ठीक। तो बा सा कितना खींचा, 5.5। अब क्या करेंगे, एक तरफ 3 सेंटीमीटर प्रकार में भर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर प्रकार में भर लिया और यहाँ पे रख करके, ठीक, एक चाप खींच दीजिए, एक इस तरीके से चाप खींच दीजिए, कितना भर कर काटा है, 3 सेंटीमीटर। अब इधर से क्या करना है आपको, इधर से 4.5 भरना है, इधर से 4.5 भर करके इधर से काट देंगे, ठीक है। ये और इनको क्या करेंगे, मिला लेंगे, यहाँ से मिला लिया और इसको यहाँ से मिला लिया, ये त्रिभुज हमारा बन गया। ये कितना था, 4.5, ठीक है, और ये कितना था, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ बा सा एक त्रिभुज। सवाल में ये कह रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाइए, समांतर चतुर्भुज। तो कैसे बनेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बा और सा को आधा कर लेंगे, ये जो नीचे वाली रेखा है, आधा रेखा, इसको हम आधा करेंगे। तो आधा किससे करेंगे, प्रकार से ही कर लीजिए आधा, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर के क्या करेंगे, काट लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे कम कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा, आधे से अधिक दूरी, तो आधे से कम है, थोड़ा लेना पड़ेगा,
आधे से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्रकार में तभी कटेगा। तो दोनों साइड से काटना है आपको। तो काटिए, देखिए एक सेकंड, ये यहाँ से चाप लगाएंगे, एक एक इधर लग जाएगा और एक ऊपर लग जाएगा। दोनों साइड से काटना पड़ेगा, एक इधर लग गया, ठीक है। अब इधर से काट लीजिए, ये यहाँ से ले आकर इधर काट दीजिए, ये कट गया और इधर, ठीक। तो दो बिंदु प्राप्त हो गए और इन दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना है, ठीक है। तो सहायक रेखा से मिलाएंगे, यहाँ से ये मिला दी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ पे चलिए ग्रीन ले लेता हूँ ताकि आपको विजुअल हो। इस जगह एक बिंदु प्राप्त हो गया, यहाँ पे जहाँ ग्रीन ग्रीन हमने लिया है, वो बिंदु आपका क्या हो गया, का, ऐसे लिख देते हैं, क्या है, का, ठीक। और बा और सा के समानांतर, बा और सा के समानांतर एक क्या खींचना है, ऊपर आ बिंदु पर क्या खींचना है, समानांतर रेखा खींचनी है। तो चाहे आप सेट स्क्वायर खींच लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, समानांतर रेखा खींचनी है, खींच दिया ऐसे सहायक रेखा में, ठीक। ये किसके समानांतर है, बा और सा के समानांतर। अब जो कह रहा है ये वाला, देखिए यहाँ पे जहाँ मिला रेड, समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा कितनी है, 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रकार में कितना भरेंगे, 3.3 सेंटीमीटर प्रकार में हम भर लेंगे। तो प्रकार ले आते हैं और यहाँ पे क्या कर रख लेंगे, और कितना भरेंगे, 3.3 सेंटीमीटर, थोड़ा से सेट कर लेते हैं, हाँ। तो प्रकार में इसे आपको 3.3 सेंटीमीटर भर करके काटना है, ठीक है। तो काट दीजिए, आप स्केल लगाकर उसमें उतना भरना है, 3.3 भर करके यहाँ पे हम काट देंगे। एक सेकंड, ये कट गया जहाँ रेड वाला मास देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम ठीक है, कट गया। तो यहाँ जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, वो बिंदु क्या हो जाएगा, चा। चलिए इसको ग्रीन से कर लेंगे, तो हम मिला लेते हैं ऐसे, चलिए थोड़ा से इसे बोल्ड कर लेते हैं रेड को, यहाँ से हम इसको मिला लेंगे क्योंकि जहाँ से कटा है, ठीक है, ये, और इसको यहाँ से मिला लेंगे, ये ठीक है। इसमें से दो भुजा प्राप्त हो गई, अब प्रकार कहाँ गया, ये इसमें ये वाली भुजा आपको भरनी थी, ये वाली जो भरी है, ठीक है, ये कितना है, 3.3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा आपको भर लेनी है, भर करके इधर से काटना है, यहाँ से का बिंदु से ए इस पे कट गया, मिला लीजिए, यहाँ से ये आ गया और इसको यहाँ से ये, समांतर चतुर्भुज आपका तैयार हो गया अभीष्ट। तो ये आपका हो गया घा और ये आपका चा हई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो त्रिभुज आ बा सा के क्षेत्रफल के बराबर जो समांतर चतुर्भुज बना वो चा, घा और ये क्या है, का, और ये बा, ये बना, ठीक है। तो
इसमें हाँ भुजा भुजा कितनी थी, 3.3 सेंटीमीटर थी, किसकी, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, ये ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ओके, दिए हुए पांचवा देखिए, एक दिए हुए समांतर चतुर्भुज काखा गाघा जिसकी भुजा काखा 2.7 सेंटीमीटर, खागा 4.8 सेंटीमीटर तथा कोण खा 120 अंश के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसमें समांतर चतुर्भुज दिया है और उसकी भुजाएं दे रखी हैं। समांतर चतुर्भुज हमने बताया है, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर आपकी रेखा हो, ओके, अब एक छोर पर मान लीजिए ये आपका है खा और गा, इधर खा है और ये गा है, ये कितना है 4.8 है ना, ये वाला, ठीक है, 4.8 यहाँ ले लिया। अब एक साइड में 120 अंश का कोण बनाना है, तो चाहे चांदा से बना लीजिए या फिर आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं, क्योंकि 120 अंश बहुत आसानी से बनता है, चलिए प्रकार ही यूज कर लेते हैं, क्या करना है, लेकर के एक चाप ऐसे खींच लीजिए ये इस तरीके से, और फिर जिस त्रिज्या से चाप खींचा जाता है, जिस त्रिज्या को भर कर उसी त्रिज्या से जब हम पहली बार काटते हैं वो 60 अंश हमेशा बनता है, ठीक है, हमेशा 60 अंश, तो एक बार कट गया 60 हो गया, दूसरी बार काटेंगे 120 बन जाएगा, तो हमको 120 चाहिए तो हम 120 बना लिए इस तरीके से, ठीक है, ये बस, चलिए तो हम एक बिंदु ये मान लेते हैं, ये वाला एक, ये 60 60 120, तो यहाँ पे क्या करें, एक रेखा खींच देंगे खा बिंदु से, इससे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, कितना इसकी खींच दीजिए इसे, ठीक है, 120 अंश, तो ये वाला जो है 2.7 सेंटीमीटर जो दिया है आपका, ये वाला इधर वाला देख लेंगे, ये दूरी भर लेंगे प्रकार में ये दूरी भर लेंगे, कितना 2.7 सेंटीमीटर, तो आप प्रकार में 2.7 सेंटीमीटर भर लीजिएगा, ठीक है, भरने के बाद तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए 2.7 और इसको काट दीजिएगा, ठीक, यहाँ काट लीजिए और यही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, प्रोसेस ये, यहाँ चाप लग गया, अब उधर कैसे चाप लगेगा, ये वाली दूरी भर लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज बना रहे, ऐसे इसे फैला लीजिए थोड़ा से चांद प्रकार को, और ये दूरी पूरी भर लीजिए प्रकार में नाप करके, तो ये भर गई दूरी लगभग, ठीक, हाँ भर गया, तो क्या करना है, यहाँ से ये वाले जो कटा है इसको यहाँ से लेकर के हम क्या करेंगे, ऐसे चाप काट देंगे, ये इधर से, ठीक है, ये कट गया,
तो पहले नाम लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे। ये हो गया आपका खा गा हो गया, और यह जो कटा था ये का हो गया आपका, और यहाँ जो प्राप्त हुआ ये क्या हुआ घा। ठीक, इनको आप मिला दीजिए। यहाँ पे बिंदु मिल गया, सॉरी इस बिंदु को आपको यहाँ से मिलाना है, ठीक है, और इस बिंदु को आपको यहाँ से मिलाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बन गया, और इनकी जो भुजाएं हैं हम बता दें, ये कितना था 2.7, ये 4.8 इधर दिया है, ठीक है, और ये कितना हो गया 120 अंश हो गया आपका। ठीक है, 120 अंश कह रहा है। इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाइए जिसकी एक भुजा की लंबाई कितना है, एक भुजा की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सवाल में ये है तो हम क्या करेंगे, 4.8 कह रहा है, 4.8 थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ये 4.8 जो थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो जितनी इसकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई, ये आयत की ऊंचाई, ठीक है, आयत की ऊंचाई भर लेंगे प्रकार में, उतना दूरी हम काट लेंगे। तो हम एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, कहीं से भी यहाँ से खींच लेते हैं, और इसको हम ऐसे खींचते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, हमको ऊंचाई चाहिए, तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ और यहाँ, ये क्या ऊंचाई हमारी है। ठीक है, ये ऊंचाई, इतनी दूरी प्रकार में लेकर के ऊपर काटना है फिर से। ठीक है, ये भर लिया, ये दूरी भर ले, थोड़ा और कम कर लेते हैं, हाँ भर लिया, इतनी दूरी लेकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, कट गया, जहाँ ग्रीन देख रहे होंगे आप, कट गया। तो ये आपका बिंदु हो गया, इस पे आपको एक समानांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, हम सेट स्क्वायर लगाकर, आप सेट स्क्वायर लगा खींचिएगा, हम ऐसे स्केल से खींच दे रहे हैं। ठीक है, तो सीधी रेखा खींच गई, यानी ऊंचाई के 2 गुना ये खींचा गया है। अब जो माप बोल रहा है कितना, 4.8, वो दूरी भरनी है। ठीक है, 4.8 नहीं है, कितना है, हाँ 4.5 है, ये वाली, ये आपका ये जो दिया है उसको 4.5। तो क्या करेंगे, 4.5 प्रकार में, 4.5 क्या है, इसे आप 5.5 मान के चलिए। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा से, इसे आप जो है इस चीज़ को आप 5.5 कर लीजिए, 5.5। ठीक है, यहाँ से तो हम इस प्रकार में 5.5 भर लेंगे, और इसको केंद्र मान करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 5.5 भर करके काट देना है, इस जगह पर कट गया, कटने के बाद इसको मिला दीजिए। ये ठीक है, बिंदु प्राप्त हो गया, ये बिंदु आपका हो जाएगा जा। ठीक है, अब यहाँ पे अभीष्ट रेखा खींचनी पड़ेगी, यही बिंदु हमको प्राप्त करना था, थोड़ा सा हम बोल्ड रेखा खींच लेंगे। ठीक है, जा को हम खास मिला लेंगे, ये और इसको यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा, और इसको खा, ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और इसकी एक भुजा कितनी होगी, ये कितना था 5.5। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ समांतर चतुर्भुज का खा, का खा गा और घा के क्षेत्रफल के बराबर जो त्रिभुज बना, जा खा, ये नहीं, ये वाला जा खा और गा, ठीक है, जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से निर्भय पांचवा सॉल्व होता है। ठीक है, ओके।
ठीक है। निर्मेय 6-1 देखिए, 6-1 3.6 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक दिए हुए त्रिभुज का खागा के बराबर एक त्रिभुज बनाइए जिसकी आधार रेखा 5.7 सेंटीमीटर के बराबर, यानी इसमें क्या करा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना है। एक कंडीशन लगा दी कि उसका जो आधार होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो त्रिभुज हैं उनको बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये भुजाएं हैं इनको हम ले लेते हैं। तो क्या करें, 3.3 सेंटीमीटर हम रेखा खींच लेंगे। ठीक है, कितना, 3.3 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तीन दशमलव तीन सेंटीमीटर रेखा खींच लिया, 3 पॉइंट कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, एक तरफ 3.6 सेंटीमीटर और एक तरफ जो है 4.2 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके हम काटेंगे इसको। तो प्रकार से होगा, प्रकार निकाल लेते हैं, दिया गया। ठीक है, एक तरफ तो आप भर लीजिए कितना, 3.6 सेंटीमीटर, भर करके एक चाप इधर लगा दो, कट गया। और एक तरफ 4.5 सेंटीमीटर भरना है आपको, एक तरफ जो है 4.5, प्रकार में आप जो है 4.5 को भरना, भर करके काट दो। ये कट गया, ठीक, और इनको मिला लीजिए। तीन दशमलव नौ था, इधर कितना था, 4.2, और इधर कितना था, 3.6। ठीक है, तो ये हो गया आपका क ख, और ये क्या हो गया, ग। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, कह रहा सवाल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाइए जिसकी एक भुजा की लंबाई, मतलब ए आधार रेखा की लंबाई कितना है, 5.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। हम क्या करें, आधार वाली रेखा को और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये 5.7 तक इसको हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ से रेखा को और आगे बढ़ा, ये ठीक है, हमने क्या किया, 5.7 सेंटीमीटर तक बढ़ा लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 5.7, क्योंकि आधार रेखा इसमें कह रहा है कि यहाँ देखिए 5.7। ठीक है, आधार रेखा कितना, 5.7 होनी चाहिए। तो यहाँ हमको बिंदु, हम यहाँ पर क्या हो गया, घा बिंदु मिल गया। ठीक है, घा और का को आपको मिलाना है डैश डैश। ठीक है, डैश डैश आपको मिलाना है, तो थोड़ा सा सहायक रेखा रहेगा, हल्का रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, का और घा को मिला लेंगे इस तरीके से, यहाँ मिला लिया। अब का और घा के समांतर, का और घा के समांतर सेट स्क्वायर लगाएंगे गा बिंदु पर। ठीक है, गा बिंदु से एक समांतर रेखा ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, खींच लिया, यानी ये जो खींचा गया है इसके बराबर इक्वल होना चाहिए, समांतर रेखा बिल्कुल बराबर हो। तो यहां जब इस रेखा को खींचा गया तो आप देखिए यहाँ पे हमको चा बिंदु प्राप्त हो, इस जगह जहाँ ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, चा बिंदु, ये चा बिंदु मिल गया इस जगह। ठीक,
अब क्या करना है, यह बिंदु हमको प्राप्त करना था, चा को हम घास मिला लेंगे, ठीक है, चा को हम घास मिला लेंगे। तो इससे चूंकि बोल्ड बनाना है तो हम चलो रेड से कर लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं इससे, ताकि आपको विजुअल भी हो, समझ में भी आए। तो हम चा को किससे मिला देंगे, एक सेकेंड, ये डैश डैश आ रहा, ठीक, एक भुजा ये हो जाएगी आपकी और एक भुजा ये हो गई और एक भुजा आपकी, ये त्रिभुज बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, त्रिभुज का खा और गा के क्षेत्रफल के बराबर जो त्रिभुज बना, चा खा और घा, ठीक है, ये बना जो रेड वाला है, ठीक, जिसकी एक भुजा कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर। तो ये सवाल इस तरीके से छठी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम ये वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो इसी तरीके से आप हम देखते रहिए वीडियो और शेयर लाइक अपने दोस्तों से करिए। थैंक यू सो मच।